रीवा से महापौर पद के प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने गुरुवार को अपना पर्चा दाखिल कर दिया। स्थानीय उत्सव राजविलास से रैली निकालते हुए शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गुटों में बटी कांग्रेस एक दिखी और सभी गुटों के नेता साथ दिखे। रीवा से कांग्रेस पार्टी ने अजय मिश्रा बाबा को अपना महापौर का प्रत्याशी बनाया है। अजय मिश्रा एक जमीनी कार्यकर्ता है। अजय मिश्रा बाबा का वर्तमान पद नेता प्रतिपक्ष नगर निगम का रहा है। वो पहली बार 1999 में वार्ड क्रमांक 17 से पार्षद, तो वहीं दूसरी बार 2009 में वार्ड क्रमांक 19 और तीसरी बार वर्ष 2014 में वार्ड क्रमांक 17 से निर्वाचित हुए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और अजय सिंह के करीबी होने का उन्हें फायदा मिला है। अजय मिश्रा के दादा दो बार विधायक रह चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। उनका कहना है कि जनता उन्हें मौका देती है और वो चुनाव जीतते हैं तो शहर का विकास उनका पहला मुद्दा होगा। जो भी शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को दिलाया जाएगा। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए अजय मिश्रा ने शहर के मुद्दों को नगर निगम में प्राथमिकता से उठाया था और कई भ्रष्टाचार को उजागर किया था। आगे आ जी, आगे आ जी, दे दीजिए, इधर 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 शर्मा जी को बुला लीजिए। ये सोचा था यार, सर पकड़ लीजिए, सर इधर इधर देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय लीडर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद, हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय राहुल भैया हमारे नेता हैं, उनके द्वारा एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय भगत शुक्ला जी, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय इंजीनियर राजन शर्मा जी, प्रहलाद सिंह जी, इन सब लोगों ने एक एक कार्यकर्ता को के टिकट पे आभार व्यक्त किया है। हमारी विद्यावती पटेल जी, बबीता साकेत जी, ये सारे लोगों ने मिलकर ये कार्यकर्ता को टिकट दिलवाया है। पूरी पार्टी, मंडलम सेक्टर, पोलिंग बूथ, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हमारे पार्षद साथी, सब लोग मिलकर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार हमारा मेयर भी जीतेगा, हमारे 45 वार्ड के पार्षद भी भारी बहुमत से जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच? देखिए, पहला मुद्दा तो पानी है। जो पानी 125 करोड़ से ऊपर जो खर्चा हुआ, रीवा के जो विकास पुरुष हैं वो 10 साल से रीवा की जनता को बरकरार रहे हैं कि हम मीठा पानी पिलाएंगे, मीठा पानी पिलाएंगे। और रीवा के लोगों को मलयुक्त गंदा, कीड़े उदार, बदबूदार पानी मिल रहा, वो भी आधा घंटा, ये बड़ी शर्म की बात है। हम एक नगर निगम में होते हुए पानी नहीं पिला सकते हैं तो फिर क्या देंगे? तो पहले तो हम पानी की ऑडिट कराएंगे और रीवा में 7 दिन 24 घंटा पानी की व्यवस्था कराएंगे। और जो रोडें के स्पन की कंपनी द्वारा तोड़ दी गई 120 किलोमीटर, उन रोडों को रेस्टोरेशन कराएंगे और उनको बनवाएंगे और उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिससे कि दिक्कत है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बरसात में वाटर लॉकिंग होती है और मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं, उन मोहल्लों में नाली की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था उचित समुचित बनवाई जाएगी। युवाओं के लिए वाईफाई पार्क बनवाए जाएंगे, ई लाइब्रेरियाँ खोली जाएंगी। मुद्दे तो हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत से हैं और अगर आप रीवा की जनता ने रीवा के इस सेवक को एक बार मौका दिया और हमारे पार्षदों को मौका दिया कि सारे काम हम लोग करते हैं। शहर में ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं किए गए और अधूरे पड़े हुए हैं जिनको महापौर के दौरान नहीं कराए गए, जिन्हें आप पूरा करेंगे? कोई भी
कोई भी कार्य नगर में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये अधूरा विकास का शहर है, यहाँ पूर्ण विकास